जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा हवाई अड्डा किस शहर में है ये आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो आइए, पहला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे है? ये नई दिल्ली में है। अगला छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये मुंबई महाराष्ट्र में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोलकाता में है पश्चिम बंगाल। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये चेन्नई में है। बाबा साहेब अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये नागपुर में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अहमदाबाद में है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाबा साहेब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तीनों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे, गोपीनाथ बारडोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये गुवाहाटी में है असम राज्य में। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये अमृतसर पंजाब राज्य में है। ठीक है, ये इसमें श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए आगे, त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये तिरुवनंतपुरम में है। इसका आप लोग जान जाएंगे अगर पूछेगा, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, क्या है? त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम, दोनों नाम से मिलता जुलता है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। आगे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये क्या है? कोझीकोड। ठीक है, शेख आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये श्रीनगर में है। इसको आप लोग कैसे ध्यान रखेंगे? शेख आलम मुस्लिम का नाम है, शेख आलम मुस्लिम का नाम है, कहाँ है? श्रीनगर। श्रीनगर क्योंकि जो मुसलमान हैं वो श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आइए आगे, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ पे? हैदराबाद आंध्र प्रदेश राज्य में। ठीक है, कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कोच्ची में है। ये भी देखिए मिलता जुलता है, कोचीन और कोच्ची, ये आप लोग भी मिलता जुलता अच्छा है, ध्यान रखिएगा, याद करने में आप लोग को आसान रहेगा। ठीक है, आगे वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। आइए आगे, डेबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? गोवा राज्य में। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, मंगलौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? मंगलुरु में। ये भी आप लोगों को याद करने में आसानी रहेगी, मंगलोर और मंगलुरु दोनों सेम है। ठीक है, मिलता जुलता है, याद करने में आसानी रहेगी आप लोग। आइए आगे, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? जयपुर में, राजस्थान में। जयपुर जयपुर दोनों देखिए, इसमें है जयपुर, इसमें भी है जयपुर, तो ये आप लोग जान जाएंगे देखते ही। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? कोयम्बटूर में, ये भी है। और तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में ही। ये देखिए तीनों जो हैं ये सब इसी नाम से हैं, जो कि इसी शहर में है, जयपुर जयपुर में, कोयम्बटूर कोयम्बटूर में और तिरुचिरापल्ली तिरुचिरापल्ली में। तो ये आप लोग देखते हैं पकड़ लेंगे। ठीक है, आइए आगे, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा,
ये कहाँ है, इंदौर मध्य प्रदेश में। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ है, वाराणसी में। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है मध्य प्रदेश, और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये वाराणसी में है उत्तर प्रदेश में। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल DP Study 90, क्या है, DP Study 90, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।